नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी टाइपिंग के कुतिदेव फॉन्ट में कौन कौन सी मात्राएं यूज होती हैं, कौन सी मात्रा किस अक्षर से बनती है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आ के लिए आपको की प्रेस करना है, आ की मात्रा के लिए। ई की मात्रा के लिए आपको प्रेस एफ प्रेस करना है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको एच प्रेस करना है। उ की मात्रा के लिए आपको, छोटे ऊ की मात्रा के लिए आपको क्यू प्रेस करना है। डबल बड़े ऊ की मात्रा के लिए आपको शिफ्ट के साथ डब्लू प्रेस करना है। छोटे ए की मात्रा के लिए आपको एस प्रेस करना है। बड़े ए की मात्रा के लिए आपको शिफ्ट के साथ एस प्रेस करना है। और छोटे ए की मात्रा के लिए आपको, छोटे ओ की मात्रा के लिए आपको के प्रेस आप करेंगे तो आ की मात्रा हो जाएगी, और एस प्रेस करेंगे तो ए की मात्रा आ जाएगी। बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको के प्रेस करना है, और साथ में शिफ्ट के साथ एस प्रेस करना है। ये हो जाएगी आपकी बड़े ओ की मात्रा। अंग की मात्रा के लिए ए प्रेस करना है आपको। सेमी कोलन, जिसे ऊपर राम कहते हैं, इसके लिए आपको परसेंटेज लगानी है। जब आप जैसे कृपा लिखते हैं तो नीचे जो रा लगता है वो आपको जो एस्केप के नीचे बटन है उसे प्रेस करना है। और आप जब आप प्रकार लिखते हैं तो जो नीचे पा के नीचे रा बनता है उसके लिए आपको जेड प्रेस करना है। जब आप कार्य लिखते हैं तो जो रा बनता है ऊपर, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करना है। इन निशानों को ध्यान से देख लें। जब आपको चंद्र बिंदु लगाना है, आपको अल्ट के साथ आप 0161 प्रेस करेंगे। इन्हीं मात्राओं को आप ध्यान से देख लें किससे कौन सा अक्षर बनता है। आइए हम इनकी अब प्रैक्टिस करते हैं किससे क्या बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आ की मात्रा के लिए आपको के प्रेस करना है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आपको एफ प्रेस करना है, बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको एच प्रेस करना है, और क्यू की, क्यू अगर आप प्रेस करेंगे तो बनेगी आपकी छोटे ऊ की मात्रा, अगर आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो बनेगी बड़े ऊ की मात्रा। अगर आप छोटे ए की मात्रा लगाना चाहते हैं तो आप एस प्रेस कीजिए, बड़े ए की मात्रा के लिए शिफ्ट के साथ एस प्रेस कीजिए। छोटे ए, छोटे ओ की मात्रा के लिए आपको पहले के प्रेस करना है, फिर एस प्रेस करना है। बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको पहले के, फिर शिफ्ट के साथ एस प्रेस करना है। बिंदी के लिए आपको ए प्रेस करना है। परसेंटेज आप लगाएंगे तो कोलन बन जाएगा। अगर आपको पा के नीचे रा जो बनाना है कृपा वाला, तो उसके लिए आपको एस्केप के नीचे जो बटन है आप उसे ध्यान से देख लें, उसी को प्रेस करना है। जेड प्रेस करेंगे तो नीचे वाला रा बन जाएगा, शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे तो कार्य वाला रा बन जाएगा, अल्ट प्लस 0161 प्रेस करेंगे तो चंद्रबिंदु बन जाएगा। इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं मात्राओं को आप आसानी से याद कर लें, अक्षरों को याद कर लें किससे कौन सा अक्षर बनेगा। बार बार इन्हें लिख के प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।